विंटर सीजन आते ही हम अपने आप को वार्म रखने के लिए कुछ न कुछ दिन भर खाते रहते हैं, जो आपके शरीर को वार्म रखने में हेल्प करता है। तो अगर आप टेस्टी ड्राई फ्रूट्स खाने के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो आपको इन्हें डेली रूटीन में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स न केवल आपके शरीर को गर्म रखेंगे, बल्कि आपके ब्रेन को भी काफी शार्प रखेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है डेट्स, यानी कि खजूर। खजूर आपके लंग्स और ओरल कैविटी कैंसर जैसे रोगों से लड़ने में मदद करता है, साथ ही साथ ठंड में आपके स्किन को हेल्दी भी बनाता है। दूसरे नंबर पे है बादाम। कम से कम 2 बादाम डेली खाने से वो आपके मेमोरी को शार्प करेगा, साथ ही साथ सर्दियों में आपके शरीर को गर्म भी रखेगा। इसके अलावा इसके तेल को आप अपने बालों में या फिर शरीर की मसाज भी करा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तीसरे नंबर पे है मुनक्का। मुनक्का एक लाभदायक एनर्जेटिक दवा की तरह काम करता है। इसकी प्रकृति काफी गर्म होती है। इसके अलावा यह पेट और फेफड़ों के रोगों में भी बहुत लाभकारी होता है। चौथे नंबर पे है अखरोट। अखरोट डिप्रेशन की परेशानी से पीड़ित रोगियों के लिए फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही साथ आपकी मेमोरी को भी काफी शार्प करता है। पांचवे नंबर पे है आलू बुखारा। इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसे आप सर्दियों में भी आराम से खा सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में छठे नंबर पे है किशमिश। किशमिश में भारी मात्रा में आयरन होता है, जो कि सीधे एनीमिया से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा ये आपके दांतों को सफेद रखने के साथ साथ कैविटी फ्री भी रखेगा। सातवें नंबर पे है मूंगफली। सर्दियों में सबसे सस्ती और आपकी पॉकेट में भारी न पड़ने वाला ड्राई फ्रूट। इसमें विटामिन और मिनरल्स दोनों ही होते हैं। इसे आप किसी भी तरह से अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में आठवें नंबर पे है खुबानी। इसमें विटामिन ए, बी और सी सबसे ज्यादा होता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा कफ जमने से परेशानी होती है, लेकिन ऐसे समय में इसका इस्तेमाल करने से आपको काफी फायदा होगा। नौवें नंबर पे है पिस्ता। पिस्ते की प्रकृति काफी गर्म होती है और ठंड से बचाने में आपको मदद भी करता है। इसे आप मिठाई, स्नैक्स या फिर किसी भी रूप में खा सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन बी होता है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी रोगों से बचाने में मदद करता है। इस लिस्ट में आखिर में बारी आती है काजू की। सर्दियों में सबसे ज्यादा आपको हील्स में क्रैक पड़ने से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में काजू के ऑयल को लगाने से आपको काफी आराम मिलेगा। काजू में सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है।